मंडी पुलिस ने जिस्म फरोशी का गोरख धंधा कर रहे एक और रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने दो महिलाओं को हिरासत में लिया है। इनमें से एक मंडी तो दूसरी बिहार की रहने वाली है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की है। मंडी पुलिस ने जिस्म फरोशी का गोरख धंधा कर रहे एक और रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने दो महिलाओं को हिरासत में लिया है। इनमें से एक मंडी तो दूसरी बिहार की रहने वाली है। पुलिस ने कार्रवाई को गुप्त सूचना के आधार पर की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मंडी शहर के रामनगर में एक महिला अपने किराए के कमरे में जिस्म फरोशी का धंधा करती है। सूचना मिलते ही पुलिस ने अपना जाल बिछाया और इस गोरख धंधे में शामिल महिला के पास कुछ नकली ग्राहक भेजे, जिससे पुलिस ने महिला को मौके पर ही धर दबोचा। पुलिस ने मौके से दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। मामले की पुष्टि एसपी मंडी गुरदेव शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि रामनगर में एक महिला अपने प्राइवेट क्वार्टर में वेश्यावृत्ति का धंधा करती है, जिस पर हमारे एसएचओ सदर इंस्पेक्टर विनोद ने एक टीम बना करके वहाँ पे डमी ग्राहक भेजे गए और उस पर उसके बाद पुलिस ने जो है इंडिपेंडेंट विटनेसेस को साथ लेके वहाँ पे रेड किया, तो दो महिलाओं को उसमें रेस्क्यू किया गया है और पुलिस ने धारा 3, 4 और 6 इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और इसमें महिला जिसका नाम प्रियंका शर्मा है उनको गिरफ्तार किया गया है। कहाँ के रहने वाली है? ये जिला मंडी की रहने वाली है। लड़कियाँ कितने रेस्क्यू की गई हैं सर और कहाँ की रहने वाली पाई जा रही है? दो महिलाओं को रेस्क्यू किया गया है, एक मंडी जिला के रहने वाली है और दूसरी बिहार के रहने वाली है। उम्र सर इनकी कितने का है? उम्र इनकी 30 से 35 वर्ष के बीच में। मोबाइल से ही ग्राहकों से कांटेक्ट करती थी और उसके बाद जब ये डील सेटल हो जाती थी तो फिर उनको अपने क्वार्टर इसने लेके रखा था, वहीं पे ही बुलाती थी। आपको बता दें कि मंडी पुलिस ने कुछ दिन पहले भी मंडी शहर की एक निजी होटल में दबिश देकर जिस्म फरोशी के धंधे का पर्दाफाश किया था।